नमस्कार। आज हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने बहुत ही बेसिक से चैप्टर को लिया है। हो सकता है कुछ लोगों को बात समझ ना आए, लेकिन बेसिक वालों का भी ध्यान देना है, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन का शेड्यूल बनाया गया है। पहला प्रश्न हमारे पास है, किसी वस्तु को 1100 रुपये में खरीद कर 1320 रुपये में बेचा जाता है। तो जो खरीदने का मतलब हो गया, क्रय मूल्य भी कहते हैं खरीद को, और इंग्लिश में कहते हैं सीपी। तो सीपी हमारी कितनी है? 1100 रुपये। और बेचा कितने में है? 1320 रुपये में बेचा है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा बिक्री मूल्य है वो खरीद मूल्य से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पहले लगाना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SP - CP। और 1320 रुपये में से जब हम 1100 रुपये घटा लें तो 220 रुपये हमारा जवाब आता है। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न कह रहा है ना, वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो P/CP × 100। P हमारा जो है 220 रुपये है और CP हमारा 1100 रुपये है। × 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 11 2 22, यानी 20% का लाभ है। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 240 रुपये में एक घड़ी खरीद कर 200 रुपये में बेच दी। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा CP है वो है 240 रुपये, और SP जो हमारा है वो है 200 रुपये। यानी अब SP जो है वो CP से कम है, तो हमें हो गया लॉस। लॉस मतलब हानि। तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा CP - SP। तो 240 - 200, यानी 40 रुपये का हमारे पास लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि L/CP × 100। तो 40/240 × 100, यानी हमारा आंसर रहा 16/2/3%। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ने 4000 रुपये में एक साइकिल खरीदी और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए और फिर 5400 की बेच दी। अच्छा, हम कोई भी चीज़ लाते हैं और उसमें कुछ मरम्मत के करते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसमें खर्चे को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे CP कितनी हो गई? 4000 की उसने साइकिल खरीदी और 4000 की खरीदने के बाद 500 रुपये उस पर खर्च किए, तो यानी कितने रुपए हो गए टोटल? 4500 रुपये हो गए। अब 4500 रुपये हमारे लग चुके हैं, बेचा कितने का हमने? तो बेचा है हमने उसको 5400 रुपये का। तो SP ज़्यादा है इस बार CP से, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी 5400 - 4500, यानी प्रॉफिट कितने का भैया? 900 रुपये का। 900 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट की गणना करनी है तो फॉर्मूला आपको बताइए, P/CP × 100, यानी 900/4500 × 100।
2 0 2 0 कैंसिल, 45 90 यानी 20%। अब हमारे पास प्रश्न है कि 480 रुपए में एक कुकर खरीदा गया और 20% लाभ पर बेच दिया गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हमारे पास सीपी है कितनी, 480 रुपए, और प्रॉफिट है हमारे पास परसेंट में, वो है हमारे पास 20%। अब 20% प्रॉफिट है और निकालना हमें एसपी। अब एसपी का फॉर्मूला तो है ही किताबों में, लेकिन फिर भी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम ये सोचे कि 20% कितना हुआ, 480 का 20%, तो 480 का 20% निकाल दें, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो हो गया 96। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा, 96 का। अब प्रॉफिट हो रहा तो इतना रुपए उसमें मिला के बेच देंगे, तो यानी एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो यानी 480 प्लस 96 बराबर 576 रुपए। और फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है सीपी 100 प्लस ओब्लिक माइनस पी ओब्लिक एल अपॉन 100। तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 480 गुणा 120 बटे 100। अब इसको इसको काट देंगे तो 48 गुणा 12 भी 576 ही आएगा, लेकिन ये एक फॉर्मूला है और ये हमारा डायरेक्ट है। अब हमारे पास प्रश्न है 360 रुपए में एक वस्तु खरीदकर 10% की हानि पर बेच दिया, यानी जो खरीद मूल्य होता है ना ये 100 होता है पूरा, खरीद मूल्य क्या होता है पूरा 100। अब 10% की हानि पर बेच दिया, तो यानी कि हमारे पास सीपी दिया हुआ है और सीपी कितना है 360 रुपीज, ठीक है, और प्रॉफिट दिया है परसेंटेज जो हमारे पास दिया गया है 10%, तो यानी हानि पर बिकेगी। अब अगर एसपी का फॉर्मूले से हम लोग लाते हैं तो वही फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इंटू, और अब लॉस है तो माइनस लग जाएगा लॉस और ऊपर रख जाएगा 100, लेकिन हमें इससे नहीं करना है, हमें सीधा पी जो है 10%, ये 360 का 10% कैलकुलेट करना है, 360 का 10% ये हुआ 36। अब हानि में बेचा तो जाहिर सी बात है कम में बिकेगी, तो यानी 360 माइनस 36 यानी कि 324, ठीक है। अब 324 लॉस अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 गुणा 90 बटे 100। अब ये 36 नवैया जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 324 यही मिलेगा। और वैसे तरीका है कि सीपी की लॉस की दशा में एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस। अब हमारे पास प्रश्न है अगला कि 150 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एसपी इंटू 100 बटे 100 ओब्लिक पी ओब्लिक एल। तो हमारे पास अभी क्या हो रहा है लॉस, तो एसपी हमारी है 150, ठीक है, इंटू 100 फॉर्मूले का है। अब 100 माइनस लॉस करेंगे तो हो जाएगा 75, क्योंकि 100 माइनस 25 और 75 दूनी होते हैं 150, तो हमारी वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 200 रुपये हो गया, ठीक है। ये जो क्लास है ना असिस्टेंट टीचर की है और इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने हैं, तो हमें छोटे भी और बेसिक भी, एसएससी के लिए पैटर्न दूसरा है, लेकिन यहाँ पर सभी को समझना है।
यहाँ पर लिखा है किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, बेचने पर यानी कि ये 720 क्या है हमारे पास SP है, और प्रॉफिट कितना है यानी कि 20% है। अब CP निकालने का फॉर्मूला तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि SP इंटू 100 बटे 100 प्लस P ऑब्लिक L और प्लस ऑब्लिक माइनस, और यहाँ पर जो हमारा है ना प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे उसको, 720 इंटू 100। अब मैंने कहा था प्रॉफिट में प्लस होगा तो 100 प्लस 20, तो 720 भागे 120 गुणा 100, तो 1 0 1 0 कैंसिल, 12 6 72, और जो हमें राशि मिली वो 600 रुपये, यानी वस्तु क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये। एक आदमी ने किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचा। अब 7% हानि पर बेचा है, यदि वह उसे 90 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारा CP मान लो 100 रुपये है, कितने रुपए 100 रुपये। अब यहाँ पर दो SP हमारे बनेंगे, पहला SP कितने का बनेगा कि उसने कहा 7% हानि पर बेचा, अब 100 ही रुपये है, 100 का 7% निकालेंगे तो 7 ही आएगा, और हानि पर बेचा है तो मैंने आपसे कहा था हानि बेचते हैं तो कम पर बिकती है यानी 93। अब SP सेकंड की क्या बात है, SP सेकंड में जो वो कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर वो कुछ रुपए ज़्यादा में बेचता तो उसे 8% प्रॉफिट, यानी यही वस्तु 8% ज़्यादा में बिकती तो हमारा कितने में बिकती, ये देखते हैं 108। अब वो कह रहा था ज़्यादा में बिकती, देखो 100 रुपए के हिसाब से जो हमारी ज़्यादा में बिक रही ना वो बिक रही है 15 रुपए, यहाँ का अंतर कितना है। अब 15 रुपए ज़्यादा में बिकती है तो CP हमारी कितनी है 100 रुपए, लेकिन प्रश्न के अनुसार 90 रुपए ज़्यादा में बिक रही है तो 100 बटे 15 गुणा 90, और 15 6 90 होते हैं आपको बताइए, तो यानी इस वस्तु की लागत मूल्य कितनी हो गई 600 रुपये। हमारे पास सेमीफाइनल क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने दो साइकिल जिसमें से प्रत्येक को 300 में बेचा, प्रत्येक को कितने बेचा 300 में, और उसमें से एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर। अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से करें तो बहुत ही बेकार है, बहुत लंबा है, तो इसकी एक कंडीशन है कि विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो और लाभ परसेंट और हानि परसेंट का जो हमारा परसेंटाइल वैल्यू है न्यूमेरिक वैल्यू वो बराबर हो, यानी वो कितना है 20%, तो हमेशा हानि होगी, ऑलवेज विल बी लॉस, ऑलवेज विल बी लॉस। लेकिन लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा L इंटू P अपॉन 100, यानी हमारा 20 गुणा 20 बटे 100, यानी 20 गुणा 20 कितना हो गया 400, और 400 बटे 100 का मतलब क्या हो गया 4% का लॉस। हम यहीं पे यही कहेंगे कि जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ तथा हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान बराबर हो तो हमेशा हानि होती है, और हानि जो होती है उसका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परसेंट जो है उसका स्क्वायर और बटे 100। अब हमारे पास प्रश्न आया है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी जितने पे खरीदता है उतने पे ही बेचने का दावा करता है, और 1 किलो की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। हम मान लेते हैं कि हाँ चलो उसको लाभ नहीं हो रहा, लेकिन वो माल कितना दे रहा है, मान लो 1 ग्राम की कीमत है 1 रुपये, और तो वो पैसा कितने का ले रहा है 1 किलो का ले रहा है, यानी SP का जो पैसा वो ले रहा है वो 1 किलो का ले रहा है, और 1 रुपये माने तो SP कितनी हो गई
1,000 रुपये। लेकिन जो सीपी है, हम उसको माल कितना दे रहा है वो दुकानदार, तो माल जो है उसको 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 900 रुपये का माल दे रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 1,000 में से अगर हम 900 रुपये घटा दें तो 100 रुपये उसके पास बचे। तो अब प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा उसका? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा P/CP × 100। तो उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, 900 हमारा सीपी है, इनटू अगर 100 करते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 100/9 का मतलब हो गया 11.1%। धन्यवाद। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसके आगे का सेकंड पार्ट जो है वो एडवांस रहेगा, अभी बेसिक के लिए मेहनत की गई है। और आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 7499227272 पे। जिनको वीडियो पसंद आया हो दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।